अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात जो है, सब पूरा जो है अलहाज सीएम इब्राहिम साहब की सदारत में जो एक काम हो रहा है सारे कर्नाटक के अंदर और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, बेंगलुरु सिटी के अंदर हज़ारों की तादाद में जो है लोग शामिल हो रहे हैं। जेडीएस मजबूत हो रही है बेंगलुरु सिटी के अंदर, तो सारे कर्नाटक भी, सारे कर्नाटक में भी जो है मजबूती के साथ पकड़ कर है जेडीएस पार्टी। कुमार स्वामी साहब जो है इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर ज़रूर बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आली जनाब अलहा सीएम इब्राहिम साहब बनेंगे। सारे लोगों से मैं इल्तिजा करता हूँ, जितने भी अकलियत है एकजुट होकर, एक सियासी जमात है जो हमारे हक़ में बात करने वाली है वो है जेडीएस पार्टी है, जो हमारे हक़ के लिए लड़ती है, हमारे हक़ दिलाने के लिए आगे आती है। तो ऐसी पार्टी का हमें साथ देना चाहिए, कुमार अन्ना जी का और आली जनाब सीएम इब्राहिम साहब का, जो सबको साथ लेकर चलते हैं इस जमात के अंदर, सबको मौका देते हैं, सबको, बहुत सारे लोगों को लीडर बना चुके हैं आली जनाब ये सीएम इब्राहिम साहब, जो कारपोरेटर बनाए, चेयरमैनशिप, एमएलए बनाए, मिनिस्टर बनाए, सब कुछ बनाए आली जनाब सीएम इब्राहिम साहब की सदारत में। बहुत सारे लोग जो है उभर को आए थे जेडीएस के अंदर, फिर दोबारा जो है वो वक्त आया है इंशाअल्लाह, बहुत अकलियतों का बहुत अच्छा होगा। इस वक्त सैयद शफीकुर रहमान साहब ने जो है जनता दल सेकुलर में शमूलियत इख्तियार की है जी, तो क्या आप जो है समझते हैं बड़ी ताकत जो है थी लेकिन इस वक्त सैयद शफीकुर रहमान साहब की शक्ल में एक बड़ी ताकत मिली है? बेशक 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 बेशक, मैं शफीकुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी को मजबूत करे, हमारी पार्टी को ताकत दिए, एक पहचान बनाए। और वो खुद जो है बेंगलुरु सिटी के जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी के ये बनाए हुए उनको, तो उसमें जो ये सब साथ दे रहे हैं हमारा पार्टी के अंदर। और सारा शहर जानता है शफीकुर रहमान साहब को कि हर वक्त जो है सियासी इसमें जो है सबको मदद करे हुए, और जो हमारी जो हमारा इवनिंग बाजार के सदर भी रह चुके हैं ये। मेरा नाम सैयद शफीकुर रहमान, आज और मैं तमाम जेडीएस के सीनियर लीडरांस का शुक्र अदा करते हुए हमारे सिटी प्रेसिडेंट सैयद सुहेल आम साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे जेडीएस से बेंगलुरु सिटी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किए। इंशाल्लाह मेरी जितनी हो सकती है उतनी इंशाल्लाह ताउन मैं जेडीएस को क्या कर सकता हूँ इंशाल्लाह करके देता हूँ। और जो कोई भी बेंगलुरु से जो कोई भी एमएलएज कंसेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह उनको, तमाम एमएलएज को माइनॉरिटीज़ की तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। सर आप एक मशहूर शख्सियत हैं तरफ से, जो बड़ी नेशनल पार्टियां हैं बीजेपी है, कांग्रेस है, इन पार्टियों को छोड़कर आपने जेडीएस क्यों चुना सर? सब ये पार्टी जो है अभी नई पार्टी तो है नहीं, ये पार्टी है कि पुरानी। सबसे पहले कांग्रेस के माइनॉरिटीज़ के माइंड में सबसे पहले क्या है बोले तो कांग्रेस आती है, फर्स्ट कांग्रेस आती है, सेकेंड आके जेडीएस आती है। अभी कांग्रेस में क्या भी माइनॉरिटीज़ के ऐसे उतना स्कोप, उतना गोल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जो कि कुमार अन्ना जो माइनॉरिटीज़ के वास्ते कर रही वो वजह से कांग्रेस छोड़ को मैं जेडीएस के अंदर मैं ज्वाइन कर को हूँ। सर अब आपको जो है जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया है, तो किस तरह से आपकी तरतीब होगी, क्या आपका कार्यक्रम होगा? इंशाल्लाह मेरी तरफ से माइनॉरिटी हमारे सिटी प्रेसिडेंट है, इंशाल्लाह हमारे माइनॉरिटी सिटी प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के साथ जो भी काम करना है बेंगलुरु सिटी के लिए इंशाल्लाह हमें करेंगे। और जो भी बेंगलुरु से जेडीएस से एमएलएस इलेक्शन को लड़ रही इंशाल्लाह हमारा पूरा भरपूर ताउन रहता है माइनॉरिटी प्रेसिडेंट से लेकर पूरे, इंशाल्लाह जो भी एमएलएस को हमारी ज़रूरत है इंशाल्लाह हमारे सिटी प्रेसिडेंट को, माइनॉरिटी सिटी प्रेसिडेंट को कॉन्टेक्ट करें, हमें इंशाल्लाह इमीडिएट उनके साथ जुड़कर उनके हाथ से काम करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप एमएलएस को सीट दिलाओगे या उनके साथ मिलकर काम करोगे? नहीं नहीं नहीं, काम कर देगा आपकी टीम, हमारी टीम आगे सपोर्ट करके काम करेगी, पूरे बैंगलोर सिटी की काम करेगी इंशाल्लाह।